गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर का एक वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूँ और ये दूसरा वीडियो इसलिए बनाना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो वहाँ पे स्टक हो चुका था। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और इसका आंसर मैं डिस्कस नहीं कर पाई आप लोगों से। सो नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो, मतलब जो प्रीवियस मैंने अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पे वीडियो डाला है उसी का बाकी दो छूट गए हैं क्वेश्चंस, वो इस वीडियो में है। ठीक है, तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। व्हाट आर द सटल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव, डिसीव माने होता है धोखा देना, हॉरिस डैनबी इन टू थिंकिंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस, व्हाई डजंट हॉरिस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। किस तरह से सटल माने बहुत ही स्किल्ड, ठीक है, सटल बहुत ही एक अच्छा कौशल, किस तरह से वो इस चीज़ में सफल रह पाती है, मैनेज कर लेती है टू डिसीव धोखा देने में हॉरिस डैनबी को, थिंकिंग शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस। वो कैसे उसे इतना धोखा, किस तरह से धोखे में रख के उसे विश्वास दिला देती है कि वो उस घर की लेडी है। एंड व्हाई डजंट हॉरिस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, और क्यों हॉरिस को उस पर बिल्कुल डाउट नहीं होता। तो आंसर है हर कॉन्फिडेंट वॉक, पहली बात। तो अब क्योंकि वो भी एक स्मार्ट, हमें अब पता है क्योंकि हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं और आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक बहुत ही स्मार्ट, वो भी एक चोर ही है। तो हर कॉन्फिडेंट वॉक, जितने विश्वास के साथ वो चलती है उस घर में, लगता ही नहीं कि कहीं बाहर की होगी। कॉन्फिडेंट माने आत्मविश्वास। हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप, वो बार बार अपने मेकअप को जिस तरह से टच करती है, जब आप पूरा स्टोरी पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड द ईज विद विच शी पिक्स सिगरेट फ्रॉम द राइट प्लेस आर एनफ टू डिसीव एनीबडी। और क्योंकि ये इंग्लिश स्टोरीज हैं तो वहाँ पे वो जिस तरह से सिगरेट उठाती है राइट प्लेस, मतलब बिल्कुल सही जगह से उस घर में, ऐसे में कोई भी धोखे में आ सकता है। हॉरिस वॉज टू फ्राइटेंड टू थिंक प्रॉपरली एज सो शी ही डिडंट सस्पेक्ट एनीथिंग, क्योंकि उस लेडी ने ये कहा कि मैं सही समय पे आ गई, नहीं तो तुम हमें हमारे घर में चोरी कर लेते और मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी पहले उसे डरा चुकी थी, और जब इंसान डर जाता है तो फिर वैसे ही उसका दिमाग काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं यही कंडीशन हॉरिस डैनबी की थी, इसीलिए वो उस लेडी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं कर पाया, हु हरसेल्फ वॉज द रियल कल्प्रिट एंड हु हरसेल्फ वॉज अ थीफ, जो खुद ही चोर थी और जो रियल में वहाँ पे चोरी कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉरिस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, व्हाई डू यू थिंक द डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरिस, व्हाई कांट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ, व्हाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ। मतलब हॉरिस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं राइटर, हम जब स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें लास्ट में हमारी जो सिंपैथी है वो हॉरिस डैनबी के साथ होती है, क्योंकि वो खुद पकड़ा जाता है, पुलिस उसे ले जाती है। तो वैसे वो रिस्पेक्टेबल है, वो इतना बुरा इंसान भी नहीं है, बट कम्प्लीटली ऑनेस्ट है, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। व्हाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरिस, क्या लगता है आपको? एप्ट माने बिल्कुल सही, ये जो वर्णन है उसके लिए कहा गया है, किसके लिए? हॉरिस के लिए, कि वो अच्छा है, गुड माने अच्छा है, रिस्पेक्टेबल मतलब ऐसे वो सम्मानित है, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। आपको ये डिस्क्रिप्शन कितना सही लगता है? एंड वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज टिपिकल थीव, क्यों हम उसको एक टिपिकल चोर की श्रेणी में नहीं रख सकते? आंसर, हॉरिस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ये एक लाइन है जिसपे क्वेश्चन आया है कि वो अच्छा है, वो रिस्पेक्टेबल है, सम्माननीय है वैसे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन हाँ पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरिस, ये वर्णन हॉरिस के लिए बिल्कुल सही है। ही वॉज अबाउट 50 years old, वो लगभग 50 साल का है। ही रॉब्ड ओनली फ्रॉम रिच पीपल, हाँ, लेकिन वो क्यों थोड़ा रिस्पेक्टेबल है? क्योंकि वो गरीब लोगों की चोरी नहीं करता, वो ये ढूंढता है कि बहुत अमीर अमीर लोग, रिच लोगों की ही चोरी करता है। एंड हिज पर्पज वॉज टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स विद मनी, और उस पैसे से वो एक्चुअली कोई ऐसे भी नहीं करता कि ही डजंट वेस्ट, वैसे वो चोरी करता है, वही उसका नेगेटिव पार्ट है, पर उसका जो एम है वो थोड़ा अजीब है कि वो बुक्स खरीदना चाहता है। ही स्टोल ओनली वंस अ ईयर, और एक ये भी नियम है कि वो साल में बस एक ही बार चोरी करता है। द इंटेंशन ऑफ बाइंग बुक्स वॉज गुड, कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि जो इंटेंशन है, जो उसकी मनस्थिति है बाइंग बुक, दैट इज़ गुड, किताब खरीदने की जो बात है वो अच्छी बात है। However, the fact that he stole to achieve this end showed that he was not completely honest. लेकिन हाँ, इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो चोरी करता है, तो इसका मतलब वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। ही के नॉट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ, उसको हम एक टिपिकल चोर तो नहीं कह सकते, वैसे वाला जो चोरी करके, मतलब जो अपने लाइफ में बस
मजे के लिए जो चोरी कर रहा है, जिसकी एक आदत हो गई, मतलब हम उसे चोर तो है लेकिन वो एक नियम, एक कुछ प्रिंसिपल्स के अंदर चोरी करता है कि अमीर से अमीर लोगों की करेगा, सिर्फ साल में एक ही बार चोरी करेगा और उससे वो किताबें खरीदेगा। बिकॉज ही डिड नॉट स्टील टू ईट और ड्रिंक, क्योंकि वो खाने पीने के लिए चोरी नहीं करता था। ही हैड अ हाउस, उसका एक घर था। ही मेड लॉक्स, वो एक्चुअली ताले बनाता था, उसका जो रियल काम था ताले बनाने का था। एंड हैड टू पीपल टू हेल्प हिम, और उसके साथ दो लोग भी थे जो उसकी मदद उस काम में थे। एंड वो सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, और वो अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल भी था। ही ओनली स्टोल इनफ मनी टू बाय द बुक्स, लेकिन उतना उस तरह की महंगी किताबें खरीदने के लिए उसका पैसा जब पूरा नहीं होता था, तो इसलिए वो साल में एक बार चोरी करता था। फॉर अ कपल ऑफ डेज ही इवन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द लेडी ही मेट एट शॉट ओवर ग्रेंज बाय नॉट स्टीलिंग और प्लानिंग एनी रॉबरी। इवन वो लेडी, जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो वो उससे, क्योंकि उसे तो लगता है कि मैं पकड़ा गया, घर की लेडी है, तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम पुलिस से नहीं कहोगे कि आई प्रॉमिस आई विल नॉट प्लान, मैं दूसरी कोई भी चोरी प्लान नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई स्टीलिंग माने चोरी करना, रॉबरी माने लूटना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉरिस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल 10 की बोर्ड एग्जाम में ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। हॉरिस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर, मेटिकुलस क्या होता है, बहुत ही निपुण अच्छा प्लानर है, बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, लेकिन फिर भी फॉल्ट माने गलती होती है ना, फॉल्टर्ड फिर भी वो गलत हो जाता है। वेयर डिड ही गो रॉन्ग, कहाँ पे उससे गलती हो गई, एंड वाई, और क्यों। हॉरिस डेनबी फेल्ड टू गेट इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रियल ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, पहली गलती ये थी कि उसने उस घर में रहने वालों की ऑक्यूपेंट्स माने ऑक्यूपाई करना, जो उस घर में रहते हैं, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके पास कहीं ना कहीं नहीं थी। ही सीम्स टू बी टू ऑक्यूपाइड विद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउस मैप, उसका उसने ज़्यादा रेकी, जिसे कहते हैं ना, उसने ज़्यादा रेकी हाउस मैप पे की, उस घर के मैप पे की कि कहाँ पे कितने कमरे हैं ये वो। रिंग वायरिंग एंड लोकेशन ऑफ वैल्यूबल थिंग्स, वायरिंग मीन्स तार, वैल्यूबल थिंग्स माने कीमती चीज़ों की उसने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रखी। ऑल्दो ही वॉज स्मार्ट इनफ टू नो द डॉग्स एक्चुअल नेम, यहाँ तक कि उसको उस डॉग का, जब आप कहानी पढ़ेंगे उसमें डॉग भी होता है, उसका एक्चुअल नेम भी पता था, बट ओवरलुक्ड गेटिंग आइडेंटिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस, पर कहीं ना कहीं घर में रहने वाले हर एक की आइडेंटिटी माने पहचान, अगर वो एग्जैक्टली उसे पता होता कि इस घर में कितने और कौन लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो लेडी को समझ जाता कि वो उस घर के ऑक्यूपेंट्स नहीं है। तो ये कमियाँ थी। वंस ही वॉज इन प्रॉब्लम, और एक बार जैसे ही वो प्रॉब्लम में पड़ा, देन प्रोबेबली हिज क्लेवर माइंड गिव वे टू केयरलेसनेस, उसका चालाक दिमाग काम करना बंद कर दिया और केयरलेसनेस होने लगी, असावधानियाँ होने लगी, लीडिंग हिम टू ओपन द सेफ फाइनली, जो कि वो खुद ही एक दूसरे चोर के लिए सेफ तक खोलता है विदाउट वेयरिंग ग्लव्स, और वो भी गलती क्या करता है, ग्लव्स भी नहीं पहने होते, इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट्स की वजह से कौन पकड़ा जाता है, हॉरिस डेनबी, नॉट द लेडी। अब है, डू यू थिंक हॉरिस डेनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, आपको क्या लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, उसे गलत पनिशमेंट मिला, और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गॉट, और क्या लगता है कि क्या उसके साथ सही हुआ, जो वो डिजर्व करता था वही उसके साथ हुआ। सो ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, एक्चुअली येस, वो भी चोरी तो कर ही रहा था ना। हम बुक्स खरीदने के लिए अगर कोई चोरी करेगा तो उसे अप्रिशिएट तो करना नहीं है, वी कैन नॉट से कि हाँ ये सही तरीका है, नो। तो इसीलिए ठीक ही हुआ, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं होता शायद नेक्स्ट टाइम कहीं ना कहीं अब वो इस चीज़ के लिए सोचेगा, वो पनिश्ड है, पुलिस की नज़र उस पर है। सो अ क्राइम इज़ अ क्राइम ऑलवेज, एंड नो मैटर इफ इट इज़ कमिटेड 100 times और जस्ट वंस। क्राइम मतलब होता है अपराध, अपराध अपराध होता है, चाहे वो 1000 बार किया जाए या फिर वो एक ही बार किया जाए। अगर वो साल में एक बार भी चोरी करता है तो चोरी तो वो करता ही है, ठीक है। सो इट वी कैन नॉट जस्टिफाई स्टीलिंग एज अ गुड टास्क और गुड वे टू अर्न मनी, पैसे के माने के लिए चोरी करना हम कभी उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ जो हुआ वो ठीक ही हुआ। तो अब इसमें इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक वीडियो पहले डाल दिया है और दिस इज द नेक्स्ट वीडियो, जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनके साथ। आप लोग पहले कहानी पढ़ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है, और फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को सुनो, समझो और लर्न करो।